बद से बदतर होता जा रहा है गौशालाओं का हाल, परंतु ना ही अधिकारियों पर गांव की इस हालत का कोई असर होता दिख रहा है और ना ही नेताओं पर। ताजा मामला छाछरी टीप गौशाला का है। इस गौशाला में लगभग 400 से अधिक गौवंश हैं, जबकि इस गौशाला की क्षमता लगभग 300 गौवंश की होती है। वहां इन 402 में से लगभग 100 गौवंश बीमार अवस्था में है, जबकि दसियों ऐसी हालत में है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इन तड़पते हुए गौवंश की इस अवस्था का कौन जिम्मेदार है? हिंदू संगठन भी केवल गांव के नाम पर राजनीति तक ही सीमित रह गए हैं, परंतु कभी भी गौशाला में जाकर गौवंश की स्थिति का संज्ञान नहीं लेते। इस संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र सिंह से बात की गई तो उनकी तरफ से भी कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि एक गौशाला में इतनी अधिक संख्या में गौवंश होने के कारण उनकी देखभाल संभव नहीं है। जब उनसे चारे के विषय में पूछा गया तो उन्होंने सीधे ही सरकार पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 30 रुपए प्रति गाय के लिए सरकार की तरफ से आता है, इतने कम रुपयों में पशु का पेट नहीं भरा जा सकता। गौरतलब हो कि इस विषय में पहल है, परंतु गांव की इस स्थिति पर कोई भी अधिकारी या नेता संज्ञान लेने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी सरकार में गौवंश की ऐसी स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। आपने शहर के इस्तेमाल किए आए थे, लेकिन आपने इनको पानी में यहाँ गला रखा है, उसकी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं। जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि आरोप निराधार है, सत्य तरह से परे है। इसमें मार्च से पहले हमने लॉकडाउन से पहले इसका टेंडर किया था। स्टील की डस्टबिन है, ट्राई साइकिल है और बाल्टी है, जो हमें घर घर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्योंकि इस बीच कोरोना आ गया, कोरोना जो वैश्विक महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, और उस बीच में ये काम संभव नहीं था, तो ये घर घर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। उसमें जो बाल्टियाँ रखी, जिसमें आरोप लगा रहे हैं बाल्टियाँ रखी हैं, वो मैंने भी दौरा किया था पिछले हफ्ते, मैंने देखा है तो बाल्टी रखी है, साइड से रखी है, बिल्कुल अलग रखी है। और उसके लिए हम लिस्ट बना रहे हैं, 16,000 डस्टबिन ये हैं जो हमें घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देरी हुई है, इसको सुधारा जा रहा है और संबंधित अधिकारी का मैंने इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। और अब से 10 दिन पहले मैंने उनसे कहा था आपने यहाँ क्यों रख रखी है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन की लगा नहीं पाए, अब हम इसकी लिस्ट बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा आरोप उनका ये था कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, नगर पालिका में अध्यक्ष हैं और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्या है कि आप जैसे उनको रखेंगे और उसको बाद में ठिकाने लगा के फिर दोबारा आप सरकार से मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, इन्हीं चीज़ों पर आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप में कोई सत्यता होती नहीं है। भ्रष्टाचार तो उसको कहते हैं जो भ्रष्टाचार साबित हो। मैंने खरीदे हैं जैम से, जैम कॉन्ट्रैक्ट से इसकी खरीदारी की गई है और 14 वित्त आयोग का ये पैसा था। इस पैसे से हमने जो शासन आदेश के अनुसार हमने खरीदा है, खरीदने के बाद हम उसकी लिस्ट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शहर में लगाएंगे। और अभी तक मेरा 3 साल का कार्यकाल हो गया है, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ उनको मिली नहीं है। विरोधियों को जो मिलता है आप सब जानते हैं उनको क्या मिलता है। हमारी नगर पालिका पूरी तरह स्वस्थ तरीके से काम कर रही है। हाँ, कुछ लोग नीचे के अधिकारी, जो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, कुछ लोग इसमें मिली भगत के जरिए इसको कराना चाह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते। मैं कहीं भी इस विवाद से मैं कहीं नहीं, और जहाँ तक डस्टबिन का सवाल है, डस्टबिन मैं खुद इसको बंटवाने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आपको मुख्यमंत्री जी भी अवार्ड दे चुके हैं सफाई व्यवस्था के लिए, ये पूरा शहर जानता है और सभी जानते हैं, फिर भी जो शक्ति चौक से लेके और जदी चौक तक कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ये उनका आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, उनका आरोप है कि सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल भी नगर पालिका ध्यान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे सबके मुखिया हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मुझे 2 बार सम्मानित किया है। और आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। अभी 3री बार भी मुख्यमंत्री जी हमें सम्मान देने वाले हैं। जिले में हमारा प्रथम स्थान आया है और नॉर्थ वेस्ट में हमारा है 38वां स्थान और प्रदेश में हमारा 25वीं रैंक आई है। और एक बात जानकारी के लिए मैं डालना चाहता हूँ, बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बिजनौर जैसी पावन धरती पर रहते हैं जो गंगा टाउन के बराबर में आती है, उसमें हम टॉप 3 में आए हैं यूपी के लिए। धन्यवाद।